केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही ये $5 ट्रिलियन यानी करीब 5,000 अरब रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। गडकरी ने बातें फिक्की के कार्यक्रम में कही, साथ ही उन्होंने आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाए। जापान की कंपनी होंडा ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वो सभी मॉडल की कीमत 30,000 रुपए तक बढ़ा सकती है। होंडा का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से उसने ये फैसला लिया। होंडा की कारों की नई कीमत अगले महीने जनवरी से लागू होगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल की कीमतों पर लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राज्यों को भी वैट में कमी करने की सलाह दी। हरदीप पुरी ने बताया कि केंद्र 2 बार वैट में कमी कर चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और झारखंड ने इसमें कोई कटौती नहीं की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बैंक और आईटी समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 461 अंक लुढ़क कर 61,338 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 146 अंक नीचे 18,269 पर खिसक गया। उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के लिहाज से अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को सिंगापुर से बड़ा निवेश मिला है। राज्य के मंत्रियों के दौरे में वहां की कई कंपनियां $50 बिलियन यानी करीब 4 खरब रुपए के समझौते पर राजी हो गई। इस दौरान सिंगापुर की कंपनियों को फरवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी न्योता भेजा गया है।